दोस्तों नमस्ते। आज हम बी एड सेकेंड ईयर सेवेंथ पेपर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को। इसके अंतर्गत जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बच्चों के लिए विशेष उपबंध, स्थानांतरण का अधिकार, आयु संबंधी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व, स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व, शिक्षक संबंधी राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन को तथा कुछ अनिवार्यों को भी देखेंगे। सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उसे देखें। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बच्चे अपने आसपास के विद्यालय में जाकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बच्चों के लिए विशेष उपबंध। यदि कोई बच्चा शुरू में विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह 14 वर्ष की उम्र तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो भी वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी। उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद है स्थानांतरण का अधिकार। किसी कारणवश यदि छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो वह अपने चुने हुए विद्यालय में स्थानांतरण करवा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे आयु संबंधी उपबंध को। अगर बच्चे के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र का सबूत नहीं है तो भी उसे प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है, उसे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व। राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को प्रवेश और उसकी उपस्थिति की सुनिश्चित करेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो यह देखेगी। विद्यालय में आधारभूत संरचना की उपलब्धता को निश्चित करेगी और बच्चों को जो है शिक्षा का विकास के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराएंगी। तो ये था राज्य सरकार का उत्तरदायित्व। अब देखेंगे स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व। स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करना तथा शैक्षिक कैलेंडर जो है तैयार करना है। शिक्षक संबंधी शिक्षक की नियुक्ति को देखें। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी और शिक्षक का जो कार्य है उसे देखिए थोड़ा। शिक्षक जो है नियमित समय पर स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम को पूरा करना और आवश्यकता पड़ने पर जो है अतिरिक्त शिक्षण कार्य भी करना, समय समय पर अभिभावक की बैठक भी किया करें। छात्र शिक्षक का अनुपात जो है प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक न हो। शिक्षकों से गैर शैक्षिक जो है क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाए, शिक्षक गैर शैक्षणिक क्रियाकलाप में खुद को नहीं लगाए। इसके बाद देखेंगे राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राज्य सलाहकार परिषद का गठन जो है वह स्वयं सरकार करेगी। राज्य सलाहकार जो परिषद का गठन राज्य सरकार करेगी। उसके बाद है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद देगी और इसका गठन भी केंद्र सरकार करेगी। राष्ट्रीय सलाहकार जो परिषद है उसका गठन केंद्र सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों, कुछ अन्य देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार का और कुछ बातें। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजने का जो दायित्व है माता पिता का होगा। राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा से पहले शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगी। सरकारी विद्यालय किसी प्रकार का दान या चंदा नहीं लेगा। स्कूल के प्रवेश की तिथि निकल जाने के बाद भी किसी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता और न किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निष्कासित ही किया जाएगा। बच्चे को शारीरिक,
मानसिक किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। मान्यता प्रमाण पत्र मिलने पर ही विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण देना तथा राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति होगी। तो ये था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।